इंडिया से सर्विस के हम पीवीएस के क्वेश्चन सॉल्व करें और आज हम आईएसएस के दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। कौन से क्वेश्चन है? स्टैटिस्टिक्स पेपर 3 आईएसएस 2015 क्वेश्चन नंबर 1A, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? आईएसएस 2017 क्वेश्चन नंबर 1A, ठीक है। एक 15 का क्वेश्चन है, एक 17 का क्वेश्चन है। तो आपको हम क्वेश्चन पर पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा कि हम दोनों क्वेश्चन एक साथ क्यों करने वाले। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक 15 का क्वेश्चन है। शो दैट फॉर एसआरएस डब्ल्यूओआर, मतलब सिंपल रैंडम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट, द सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ एन अनवाइज एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ मेंबर पोजिंग अ सर्टेन कैरेक्टर, ठीक है। मतलब क्या है, हमें सैंपल प्रोपोर्शन जो है वो अनवाइज एस्टिमेटर है फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ठीक है। हेंस ऑब्टेन द वेरियंस ऑफ द एस्टिमेटर, ठीक है। 2015 क्वेश्चन। और 17 क्वेश्चन क्या है? फॉर एसआरएस डब्ल्यूओआर इन कैपिटल एन स्मॉल एन, मतलब कैपिटल एन जो है नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ यूनिट इन पॉपुलेशन है, और स्मॉल एन है नंबर ऑफ यूनिट इन सैंपल, ठीक है। शो दैट द सैंपल प्रोपोर्शन पी इज अनवाइज फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैपिटल पी, ये स्मॉल पी है एक कैपिटल पी है। देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, जब भी कैपिटल लिखेंगे इसके नीचे ऐसे दाग होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि ये स्मॉल है एक कैपिटल है। ऑल्सो डिराइव द पॉपुलेशन सैंपलिंग वेरियंस ऑफ दिस एस्टिमेटर, ठीक है। दोनों क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है, हमें ये दोनों, इसलिए हम दोनों क्वेश्चन एक साथ करने वाले। देखिए क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें कुछ कुछ चीज समझने की जरूरत है। पहला हमें टर्म क्या मिला, एस आर एस डब्ल्यू ओ आर, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया था, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक में यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लीजिए डिटेल में। हम यहाँ पे एक शॉर्ट में बता देते हैं, सिंपल रैंडम सैंपल, इसमें क्या होता है कि जितने भी यूनिट्स है पॉपुलेशन में वो सभी को इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है, इक्वल चांसेस होता है कि वो सैंपल में इंक्लूड होगा। अभी इसकी दो कंडीशन है, एक है विथ रिप्लेसमेंट, एक है विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट क्या करते हैं, हम एक ही यूनिट को ड्रॉ करते हैं, उसको नोट करते हैं, वापस नेक्स्ट ड्रॉ से पहले हम पॉपुलेशन वापस कर देते हैं, जिसके कारण पॉपुलेशन जो साइज है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है और सभी को इक्वल चांसेस रहता है इंक्लूड होने का। पर विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें हम एक यूनिट को ड्रॉ करते हैं, उसको नोट करते हैं, और नोट करने के बाद हम इसको सेपरेट रख लेते हैं, पॉपुलेशन में वापस नहीं करते हैं, इसीलिए वो विदाउट रिप्लेसमेंट केस है, ठीक है। ये हो गया सिंपल रैंडम सैंपल। अभी यहाँ पे कहा गया है कि आ सैंपल प्रोपोर्शन इज अनवाइज फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ ए मेंबर पोजिंग सर्टेन कैरेक्टर। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लीजिए आपका एक पॉपुलेशन है, ठीक है। पॉपुलेशन में आपका ऐसा है कि स्मोक करते हैं या नहीं करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो यस और नो होगा। तो मतलब क्या है, आपका मतलब जो स्मोक करते हैं वो एक प्रोपोर्शन है, मतलब एक पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है कंटेनिंग सर्टेन कैरेक्टर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें कहा गया है कि जो सैंपल में, अभी जो सैंपल में जो स्मोक करते हैं वो जो मतलब वो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पीपल हु स्मोक बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब स्मॉल ए बाय स्मॉल एन, ठीक है, स्मॉल ए बाय स्मॉल एन, जो पी हुआ वो अनवाइज एस्टिमेटेड है फॉर द पॉपुलेशन है, वो फर्स्ट हमें दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए हमने आंसर का फर्स्ट पार्ट लिख दिया। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, ठीक है। तो ये जो होगा ये 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट होगा, तो आप थोड़ा सा मतलब एडजस्ट कीजिए, हमारा बोर्ड बहुत ही छोटा है तो हम पूरा जो आंसर है वो एक बार में हम लिख नहीं सकते। तो पहला पार्ट जो है वो समझते हैं हम, क्या है, लेट अस सपोज दैट अ पॉपुलेशन विथ एन यूनिट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो था वो एन, कैपिटल एन मेंशन किया होता है, पॉपुलेशन में एन यूनिट है, वो x1 x2 xn तक होगा, इज क्लासिफाइड इनटू टू म्यूचुअली डिसजॉइंट एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस सी एंड सी डैश रिस्पेक्टिवली। अभी इस लाइन का मतलब समझिए, पूरा पॉपुलेशन जो है वो कैपिटल एन यूनिट साइज में, जिसको हम टू क्लासेस में डिवाइड करें, कौन कौन सी क्लासेस, एक सी और एक सी डैश। उनका प्रॉपर्टीज क्या है, दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट है, कोई भी जो यूनिट है वो कॉमन नहीं है, और एक्सक्लूसिव मतलब दोनों का अगर जोड़ेंगे तो पूरा जो सैंपल है मतलब पॉपुलेशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। वो कहा गया है सच दैट यूनिट सी पोजेस सर्टेन प्रॉपर्टी वाइल इन सी डैश डज नॉट, सी जो है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जो सी डैश में नहीं है। आप दिमाग में जो एग्जाम्पल रखेंगे वो रखेंगे, स्मोकिंग का रख सकते हैं आप,
कि वो या तो स्मोकिंग करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया, जो स्मोकिंग करते हैं वो सर्टेन प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे और जो स्मोक नहीं करते वो सी डैश होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, लेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन सी बी ए, जो नंबर ऑफ यूनिट इन सी है वो कैपिटल ए हो गया, ठीक है, और सी डैश मतलब वो ए डैश होगा क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग है वो ए डैश, ठीक है। अभी देखिए, हमें कहा था कि वो जो है वो एक्सक्लूसिव है, क्लासेस है, मतलब जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा पॉपुलेशन जो है वो मिल जाएगा, हमें कैपिटल ए मिल रहा है। अभी देखिए पी क्या है, पी विद द प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन पोजेसिंग द प्रॉपर्टी, पी एक प्रोपोर्शन है जो मतलब जो जो कैरेक्टर को पोजेस कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, कैपिटल ए बाय एन, कैपिटल ए क्यू जिनके पास प्रॉपर्टी है बाय टोटल पॉपुलेशन, तो वैसा हमें प्रोपोर्शन मिल जाएगा। वैसे क्यू है जिनका प्रोपोर्शन नहीं है, तो वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, वन माइनस पी, तो क्यू इक्वल टू क्या है, वन माइनस पी है, और ये जो सब ए है ये सब कैपिटल है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ये सब जो पी है वो कैपिटल है, हम पॉपुलेशन के लिए काम करें। तो अभी देखिए यहाँ पे y alpha को हम कैसे डिनोट करेंगे, y alpha इक्वल टू वन इफ alpha यूनिट बिलोंग टू c, अगर वो c में बिलोंग करता है तो वो वन है, और जीरो कब है, जीरो है alpha यूनिट डज नॉट बिलोंग टू c, ठीक है। तो ये हो गया ई बी कैपिटल पी है। तो देखिए पॉपुलेशन मीन क्या होगा, पॉपुलेशन मीन को अगर हम सम करेंगे तो हमें ए बाई एन मिल रहा था क्योंकि जिनका प्रॉपर्टी है, तो ए बाई एन तो इक्वल टू कैपिटल पी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पॉपुलेशन मीन निकाल लिया, हमें कहा है कि अनवाइज एस्टिमेटर दिखाना है सैंपल मीन को, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें जो पी है उसको एस्टिमेट करना है, ठीक है, उसके लिए हमें एस्टिमेट फाइंड करना है, तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने आपके लिए सेकेंड पार्ट जो इसका लिख दिया है, तो हम सेकेंड पार्ट को पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, टू एस्टिमेट कैपिटल पी और ए, हमें पी को जो है वो एस्टिमेट करना है। लेट अस कंसीडर अ एसआरएस ऑफ साइज एन, हमने एक सिंपल रैंडम सैंपल हमने लिया है साइज एन, स्मॉल एन। लेट ए बी द नंबर ऑफ यूनिट इन द सैंपल पोजेसिंग द गिवन प्रॉपर्टी, ए जो है ये बी द नंबर ऑफ द यूनिट इन द सैंपल पोजिंग द गिवन यूनिट गिवन प्रॉपर्टी, ठीक है। और पी डैश और ए डैश क्या है, इट इज विद द नंबर ऑफ यूनिट इन द सैंपल नॉट पोजेसिंग द गिवन यूनिट फॉर द सैंपल साइज इज एन, सैंपल साइज एन है, ये जो है जो यूनिट सैंपल के वो यूनिट जो प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, और ए डैश क्या है जो पोजेस नहीं करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वाई आई ठीक है इज वन इफ द सैंपल यूनिट पोजेसेस द प्रॉपर्टी, ठीक है, और जीरो कब है, आई सैंपल नॉट पोजिंग द यूनिट, जो सैंपल है वो आई पोजेस नहीं करेगा। देन पी द सैंपल प्रोपोर्शन पोजिंग द गिवन यूनिट विल बी स्मॉल ए बाई एन, ठीक है, और क्यू का होगा सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ यूनिट डू नॉट पोजिंग द प्रॉपर्टी एन स्मॉल एन माइनस ए बाय एन, उसको अगर हम करेंगे तो वन माइनस पी आ रहा था, ठीक है। तो वहां से हम सैंपल मीन निकाल सकते हैं, सैंपल मीन हमें क्या मिला, स्मॉल पी मिला, ठीक है। हमें एक चीज पता है कि एस आर एस में क्या होता है कि जो सैंपल मीन होता है वो अनवाइज एस्टिमेटर है मतलब पॉपुलेशन मीन, ठीक है। तो वहां से हम ये कह सकते हैं कि देखिए सैंपल मीन क्या है, सैंपल मीन स्मॉल पी है और पॉपुलेशन मीन कैपिटल पी है, तो स्मॉल पी इज द अनवाइज एस्टिमेटर फॉर द कैपिटल पी। वही हमने क्या है कि अगर एस्टिमेशन करेंगे हम तो हमें क्या मिला था, हमें कैपिटल पी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये चीज जो है ये एस आर एस के लिए हमें पता है, तो इसका जो वैल्यू है वो भी अनवाइज ही होगा। तो जो फर्स्ट पार्ट था ये फर्स्ट पार्ट जो है यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमें नेक्स्ट कौन सा निकालना है, हमें निकालना है हेंस ऑफ्टेन द वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटर, हमें कैपिटल पी का वेरिएंस निकालना है, ठीक है। तो अभी हम कैपिटल पी का वेरिएंस देखेंगे, ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं। देखिए हमने आपके लिए लास्ट पार्ट जो है वो लिख दिया। देखिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ वेरियंस ऑफ द एस्टिमेटर का है, मतलब है सिर्फ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का वेरियंस निकालना, मतलब आंसर जो है वो यहां तक होगा, ठीक है। पर हमने आपके लिए ये वाला पार्ट भी किया कर दिया, ये वाला पार्ट आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए काम आएगा, तो हम पहले ये हार देते हैं। अब देखिए हमें एक चीज पता है कि एस आर एस डब्ल्यू आर में जो वेरियंस होता है वो क्या होता है, ये होता है वन वन बाय स्मॉल ए माइनस वन बाय कैपिटल ए इंटू ए स्क्वायर, मतलब पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। तो हमें पहले पॉपुलेशन मीन स्क्वायर जो वो निकालना है,
तो पॉपुलेशन मीन्स को हमने निकाला है, पॉपुलेशन मीन्स को एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में लिखा है, इसको आज हमने जो समेशन है उसको अंदर ले गया और इंटीग्रेशन कर दिया। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे जो इंपॉर्टेंट और जो ट्रिकी लाइन है वो ये लाइन है। क्यों? देखिए यहां पे क्या है, समेशन अल्फा 1 टू 8 वाई अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अभी यहां पे मैंने ए लिखा है, ये कैसे आया? आपको एक चीज ध्यान होगा, मैंने वहां पे लिखा था कि अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू ए बाय एन, ठीक है, ये आया था। तो देखिए अगर हम यहां पे अगर ये y अल्फा का वैल्यू जो है वो 1 है, अगर हम 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। अब जितने टाइम भी स्क्वायर करें तो 1 मिलेगा, तो सम जो होगा वो a बाई एन होगा, ठीक है। और यहां पे समेशन है, तो समेशन के लिए कैपिटल n मिलेगा, तो यहां पे जो n है और यहां पर जो n मिलेगा वो कट जाएगा, तो सिर्फ क्या मिलेगा, नहीं सिर्फ a मिलेगा, इसलिए वहां पे a आया। ये चीज अगर आप समझ गए तो इस क्वेश्चन में याद, मतलब समझने लायक कुछ भी नहीं, सब मतलब आपको याद रहेगा, मतलब अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको याद रहेगा सर। तो एक इक्वल टू यहाँ पे ये इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है कि a बाय n इक्वल टू p, ठीक है। तो वहां से a इक्वल टू np हो जाएगा, a इक्वल टू np, और यहाँ पे n p स्क्वायर हो गया, यहाँ पे n है और y बार का वैल्यू था p, तो यहाँ पे p स्क्वायर होगा। वहां से हम np को कॉमन ले लिए, हमें a स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे हम वैल्यू बैठा है, हमें वेरियंस मिल गया, ठीक है। अभी ये क्या है, ये सैंपल, देखिए यहां पर भी हमें सैंपल मीन स्क्वायर चाहिए अगर सैंपल वेरियंस निकालना है, तो हमने सैंपल वेरियंस निकाला। देखिए सेम प्रोसीजर है, यहां पर भी हमने वही चीज यहां पे यूज किया ये लाइन पे, ठीक है, बाकी जो है एकदम सेम है। अब एक चीज देखिए, हमें पता है कि जो जो एसएस मतलब जो एसआरएस डब्ल्यूआर के लिए जो सैंपल मीन स्क्वायर है वो अनवायस एस्टिमेटेड फॉर द पॉपुलेशन मीन स्क्वायर, ठीक है, वो हमें पता है। तो वहां पे हमें सेपरेट मतलब वो अनवायस एस्टिमेटेड है, तो ये जो वेरियंस है सैंपल जो वेरियंस है वो भी अनवायस एस्टिमेटेड फॉर द पॉपुलेशन वेरियंस होगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए काम आएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछे तो आपको बस यहां तक लिखना है, ठीक है, आपको ये पार्ट नहीं लिखना है, ये पार्ट सिर्फ आपके एक्नॉलेजमेंट लिख दिया आपको एग्जाम में काम आएगा, मतलब अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आपको ये वाला पार्ट काम आएगा, आपको एग्जाम में बस यहां तक लिखना है, आपको 10 नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट से लिखिए, हम आपकी डाउट आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और 16 अक्टूबर से आप सबका आईएसएस के एग्जाम शुरू हो रहा है, जो भी एस्पिरेंट्स एग्जाम में बैठे हैं उन सबको ऑल द बेस्ट, उम्मीद करता हूं आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। देखिए हम इस बार पूरा जो सिलेबस है सारे क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व नहीं कर पाए, उम्मीद करता हूं 21 का जो एग्जाम होने वाला जुलाई में, इससे पहले हम सभी पेपर सॉल्व कर पाएंगे और सभी जो क्वेश्चन है वो आपके लिए सॉल्व करके देंगे इंक्लूडिंग 2020। अगर आपको ऐसे ही आईएएस रिलेटेड क्वेश्चन देखना अच्छा लगता है, वीडियो देखना अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको फेसबुक देखते हो तो लाइक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।